नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप कोर्ट मैरिज के बारे में, स्पाउस वीजा के बारे में या मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं और आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे लीगल एस्पेक्ट को कवर करते हुए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चंडीगढ़ में या पंजाब में एक बहुत बड़ा क्रेज है कि ज्यादातर लव मैरिज या कोर्ट मैरिज होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक इंटेंट होता है कि मुझे विदेश जाना है, कनाडा या किसी और कंट्री में जाना है, और वहां पे स्पाउस वीजा की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ कंट्रास्ट ये है कि 50,000 से 60,000 रुपया फीस लेकर के वहां पे कई ऐसे लोग हैं जो कि केवल रिचुअल परफॉर्म करा करके शादी करा देते हैं, चाहे रिचुअल गुरुद्वारे में कराया हो या फिर आपका आर्य समाज में कराया हो, रिचुअल परफॉर्म करा करके चंडीगढ़ हाईकोर्ट से मैरिज का प्रोटेक्शन, मैरिज के लिए प्रोटेक्शन ले लेते हैं और उसी प्रोटेक्शन ऑर्डर को दिखा करके बोलते हैं कि आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो गया। हालांकि अगर आप उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप स्पाउस वीजा लेने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त आपसे मांगा जाएगा एक वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कई बार स्पाउस वीजा में आपको दिक्कतें आती है, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है। तो यदि आपको सही तरीके से, लीगल तरीके से मैरिज करना है तो सबसे पहले अपने रिचुअल के हिसाब से मैरिज कर लीजिए, अगर सेम रिलीजन में मैरिज कर रहे हैं तो, और उसके बाद से म्यूनिसिपैलिटी में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। म्यूनिसिपैलिटी में आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन अ वीक आपको मिल जाएगा, कई बार या और भी जल्दी मिल जाता है एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे तो। और ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो बिल्कुल जेन्युइन होता है, इसके बेसिस पे आपको स्पाउस से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करा रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड चीज ये है कि अगर आप इंटर रिलीजन कर रहे हैं तो इंटर रिलीजन करने के लिए आपको स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो करना होगा, जिसमें आप अलग अलग धर्म के लोग इंटर रिलीजन मैरिज कर सकते हैं। यह जरूर ध्यान में रखिए कि अगर हिंदू और सिख है तो दोनों हिंदू माने जाते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू ही होता है। तो अगर अलग अलग धर्म जो होता है वो हिंदू मुस्लिम हो जाए, हिंदू क्रिश्चियन हो जाए, तो आपका ये अलग अलग धर्म है, इसमें अलग अलग तरीके से आपको शादी करनी होती है और स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो करना होता है। दोस्तों, अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है, आपकी एज पूरी ना हो तो आप कोर्ट मैरिज या लव मैरिज या इवन मैरिज कर ही नहीं सकते, तो एज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और लड़कों की शादी की एज 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जब वो 18 वर्ष कंप्लीट करते हैं, 21 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं, तभी मैरिज हो सकता है। अगर कभी भी एज को लेकर कोई मॉडिफिकेशन आता है तो आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट करते रहिए, ताकि वहां पर अगर एज को लेकर के गवर्नमेंट कोई चेंज करती है, जैसे लड़कियों की शादी की एज को लेकर के चेंज हो सकता है, उसमें कोई परिवर्तन होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर सके। तो दोस्तों, कोर्ट मैरिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट के लिए होता है, तो डॉक्यूमेंट को ठीक से आपको समझना है। सबसे पहले आपका रेजिडेंस प्रूफ, उसके लिए जरूरी होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड आपके पास में जरूर होना चाहिए। और दूसरा जो होता है वो होता है आपका बर्थ प्रूफ, बर्थ प्रूफ में या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास में 10th की मार्कशीट होना चाहिए, अगर 10th की भी मार्कशीट नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट होना चाहिए। इन चारों में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो बर्थ प्रूफ के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है आपका आईडी प्रूफ, चाहे आपके पास पैन कार्ड हो या फिर आपके पास वोटर आईडी हो, और अगर दोनों में से कुछ नहीं है और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास गवर्नमेंट से इशू किया हुआ अगर आई कार्ड है तो वो भी चलेगा। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास कम है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे जरूर बात करिए और आपके केस को देख करके हम गाइड करेंगे। एक कपल के दिमाग में जो सबसे बड़ी दुविधा होती है वो प्रोटेक्शन को लेकर के होती है, कि अगर मैंने कोर्ट मैरिज किया तो शादी से पहले, कोर्ट मैरिज से पहले और कोर्ट मैरिज के बाद मुझे किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा और उस प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास लीगल क्या गारंटी अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि देश का संविधान सबसे ऊपर होता है और संविधान के आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट सुरक्षित करे, और हाई कोर्ट के को आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार है कि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करे।
तो शादी करना, कोर्ट मैरिज करना आपका एक मौलिक अधिकार है। आप किस व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं यह तय करने का अधिकार बिल्कुल आपका है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो हम तीन स्टेप्स में आपको प्रोटेक्शन दिलाते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि हम आपके लिए शादी के दौरान ही लड़की से एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट साइन करवाते हैं जो एफिडेविट पे होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इंटीमेशन लेटर भिजवाया जाता है, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है, और ज़रूरत होता है तो हाई कोर्ट से भी प्रोटेक्शन लिया जाता है। ये सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको प्रोटेक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक, या हमारी वेबसाइट है leadindia.law, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। विजिट करके जो हमारे लॉयर हैं उनसे तुरंत आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस, लीगल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।